जिला पंचायत सदस्य के दो उम्मीदवारों को हराने का आरोप लगाते हुए बुधवार की दोपहर भीड़ ने ब्रह्मपुर ब्लॉक को घेर लिया। हारे हुए उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नई बाजार चौराहे पर प्रदर्शन करने के बाद भीड़ ने पेट्रोल पंप पर पथराव कर दिया। यहां से निकलने के बाद नई बाजार पुलिस चौकी पहुंचे और आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। किसी तरह चौकी के पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान उपद्रवियों ने पीएसी की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया और ब्रह्मपुर ब्लॉक में भी तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पीएसी के साथ ही आसपास के थानों की फोर्स बुला ली। आरोप है कि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 60 से रवि निषाद और 64 से कुदई निषाद उम्मीदवार थे। दोनों का दावा है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2000 से अधिक मत से जीत गए थे। मंगलवार की रात में उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मंगलवार की सुबह वार्ड नंबर 60 से गोपाल यादव व 64 नंबर वार्ड से गब्बर यादव को विजयी होने का प्रमाण पत्र दिया गया। दोपहर 3 बजे रवि निषाद और कुदई समर्थकों के साथ ब्रह्मपुर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने के बाद आक्रोशित भीड़ नई बाजार चौराहे पर पहुंची और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद भीड़ नई बाजार पुलिस चौकी पहुंच गई और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के बाद चौकी में आग लगा दी। आधे घंटे तक हंगामा करने के साथ ही परिसर में खड़ी पुलिस कर्मियों की गाड़ी तोड़ दी। चौकी प्रभारी के साथ ही चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने भाग कर किसी तरह से जान बचाई। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि चुनावी मामले को लेकर हंगामा हुआ है। उपद्रवियों ने ब्रह्मपुर ब्लॉक में भी तोड़फोड़ की है। इसके अलावा पीएसी के वाहन पर भी पथराव किया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई में जुटी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों पर रास्कुआ के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, भैया वीडियो वाले एक दो लोग आ जाओ यहाँ पर, हम सब बात कर रहे हैं। सबको यार ले आके बैठाओ,
उसको दंड मिलेगा, एकदम मिलना चाहिए। आरोप गलती आरोप आरो खिलाफ लिखाया जाए मुकदमा। बस बस आप लोग एक बार आरोप का पर बुला दीजिए। अरे आरो यहां पर बस हमारे वीडियो ना हमारे वीडियो नहीं नहीं हम लाइव किए हैं सर, लाइव किए हैं। इससे क्या मतलब है? कोई भी जनता से न्याय मिलेगा, जनता मिलेगा। और इसको ऐसा थोड़ी हो जाए, जो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी घटना हुई है उसका स्टॉक ले रहे हैं। चौकी में किन लोगों के द्वारा बिना मतलब के जाके चौकियों के बाहर खड़ी की गई गाड़ियों में आग लगाया गया है, तोड़फोड़ किया गया है चौकी में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, पीएसी जिस रास्ते से बैकअप के लिए आ रहे थे, पीएसी बाहर का फोर्स है, वो रास्ते में ही वो भीड़ उनको घेर लिए थे, तो वहां का जो पीएसी के फोर्स जो है गाड़ी से नीचे उतर के खेतों के ओर चले गए और गाड़ी में बादर से पथराव शुरू कर दिए थे, तो अपने सुरक्षित रखते हुए पीएसी वहां से हटी। तो पीएसी की गाड़ी में, हेलो जी सर, हाँ, पीएसी गाड़ी को तोड़फोड़ किया करके उनको आगजनी लगा दी गई है, उसके भी अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब ब्लॉक में जो अधिकारियों को घेराव किया इन लोगों ने, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा और ये सभी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी चुनाव प्रोसेस है, वो इलेक्शन डिक्लेरेशन जितने भी रिलेटेड है, आरओ से रिलेटेड है, चौकी पे पीएसी की गाड़ी में अटैक करना कोई मतलब नहीं बनता है, तो इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से पैसा जाएगा। अभी तो हम लोग, अभी कोई जो भी हमारे सामने आएगा अपने क्षति, उनके जो तहरीर के आधार पर अलग से मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सर, एक अलग से मैं सवाल कर ले रहा हूँ सर, दिस इज रिलेटेड, चूंकि ये चुनाव हार जीत हो गई है, इस पे सर एक्शन प्लान क्या है? अभी यार देखिए, अभी फिलहाल मुझे इस स्थिति को जो है नॉर्मलाइज करने दीजिएगा, और अलग इनके उपद्रवियों के खिलाफ देखिए, जो भी हार जीते सभी एसएचओ अपने लेवल से प्रधानों की मीटिंग लेंगे, पूर्व प्रधानों की भी मीटिंग लेंगे अलग अलग, और जो ब्लॉक लेवल जो मेंबर्स है बीडीसी, उनके लेवल सीईओ के लेवल पे मीटिंग होगी, जो जिला पंचायत सदस्य गण है उनका जो जिला पंचायत के लेवल पे मीटिंग होगी, इनके सभी लोगों के तरफ से मीटिंग्स होगी,
इनको सुरक्षार्थ जो व्यवस्था जो है उसको लगातार परखा जाएगा। जो कोई भी कानून अपने हाथ में उठाने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।